बजाय तो डबल उसे डाल भी सब सुनता है। और ईसाई कहते हैं कि उसने तो 6 दिन में सारी सृष्टि कर दी थी। एक ईसाई लिखता है, अभी मैं कल पढ़ रहा था एक पुस्तक, एक ईसाई कोई ईसाई लिखता है कि 6 दिन में जो खुदा ने सृष्टि कर दी थी तो वो तो बंद हो गई थी, यानी 6 दिन में पूरी कर दी थी। रोज सृष्टि कहाँ से होती चली जा रही है। तो कहता है ये मान्यता ही गलत है। हाँ, ये तो सृष्टि तो नित्य हो रही है, 6 दिन में कैसे हो गई? 6 दिन में हो गई थी, ये दोबारा कहाँ से हो रही है रोज? ईसाई ने प्रश्न किया है। वो कहता है इसलिए ईसाई विचारधारा बिल्कुल अंधविश्वास पर टिका हुआ है, उसको मैं नहीं मानता। इस विषय में हिंदू विचारधारा करेक्ट है। उनका चलो ये कुछ समझ में आएगा। चिन्ह तो है इसमें, चिन्ह या बाइबल कोई नहीं स्वीकार कर, बाइबल केवल पूजा के लिए। ये जो स्थिति है, यदि ये सहिष्णुता आ जाए, क्षमा वृत्ति आ जाए, क्षमा का अर्थ ये नहीं होता कोई तुम्हें डंडा मारे तो तुम कोई से क्षमा कर, वो क्षमा नहीं है, तो मूर्खता है। क्षमा माने सहिष्णुता, क्षम्यते। सहिष्णुता का अर्थ होता है कि हर एक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार विचार करता है, ठीक है, ऐसी बात, इसको क्षमा कर। और सत्यम, क्षमा के बाद सत्यम आया, तो सत्यम सबका अलग अलग है। सत्य एक है वो तो ठीक है, लेकिन विप्राबहुधा वदन्ति, विप्राबहुधा वदन्ति क्यों? यदि सत्य एक है तो सबने क्यों नहीं एक ही कहा उसे? विद्वानों ने बहुत क्यों कहा उसे? कहा इसलिए कि विद्वानों को बहुत रूपों में समझ में, सत्य तो एक है वह बहुत रूपों में दिखाई देता है, हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से उसे देखता है, अपनी बुद्धि से उसे समझता है। तो जिस स्तर का सत्य वो समझेगा उसी स्तर की बात करेगा। दयानंद कहता है प्रकृति पुरुष जीव तीन हैं, और क्या नाम माधवाचार्य कहते हैं कि हाँ प्रकृति पुरुष जीव तीन हैं, और यदि आप पूछो रामानुजाचार्य से वो कहते हैं नहीं गलत है, प्रकृति पुरुष तीन है ही नहीं, वो तो प्रकृति पुरुष परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रकृति पुरुष ईश्वर परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा इसका स्वरूप ही है, प्रकृति और पुरुष परमात्मा के स्वरूप हैं, अंग हैं, ये उसके विशेषण हैं, विशिष्टाभिव्यक्ति है, इसलिए वो अद्वैत है। शंकर ने कहा कि नहीं नहीं ये प्रकृति पुरुष है ही नहीं, ये तो तुम्हें भ्रांति है। फिर क्या है? कहते तो वही एक ब्रह्म सत्य है बस, ये प्रकृति पुरुष तो भ्रांति है ही नहीं, सबके अलग अलग दृष्टिकोण है उसमें। तो प्रकृति पुरुष तीन भी हैं, प्रकृति पुरुष अंग भी हैं, प्रकृति पुरुष हैं भी नहीं, जो सत्य है हम तीनों को सिद्ध करते हैं तर्क द्वारा, तर्क द्वारा हम तीनों को सिद्ध करते हैं। जब हम बोलते हैं और तुम सुनते हो तो प्रकृति पुरुष परमात्मा तीनों सत्य है, और जहां हमारा बोलना और तुम्हारा सुनना दोनों बंद हो जाएगा तो प्रकृति और पुरुष परमात्मा के अंग हो जाएंगे, और जहां हम उससे भी आगे बढ़ जाएंगे तो न प्रकृति होगी न पुरुष होगी, केवल एक परमात्मा। तो वेद कहता है भोक्ता भोग्यम वेदारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म मेत, त्रिविधम ब्रह्म द्विविधम ब्रह्म। तो वेद में त्रिविधम ब्रह्म द्विविधम ब्रह्म और एकम ब्रह्म। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, प्रकृति अलग है इंडिपेंडेंट ऐसा कपिल ने कहीं नहीं कहा। नहीं नहीं
वो तो कपिल भी कहते हैं कि आदि पुरुष अधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तित, वो कहते हैं भिन्न है, आधीन तो मानते हैं भिन्न मान सेपरेट एग्जिस्टेंस है लेकिन है आश्रित, वेदांत कहता कि सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि उसको अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, वो दोनों तत्व की बात करते हैं, तात्विक दृष्टि से उनका कथन है और एक सृष्टि दृष्टि से उनका कथन है, तात्विक दृष्टि से उनका बात एक ही है, एक सृष्टि दृष्टि का तो निराकरण कर रहा, उनका विषय है सृष्टि की व्याख्या करना, कपिल का विषय है सृष्टि की व्याख्या करना, और सृष्टि की व्याख्या में वो ठीक करते हैं अपनी जगह, वो तो सृष्टि की व्याख्या में वेदांत भी यही करता है, और वेदांत कहता है तत्व की व्याख्या, तत्व की व्याख्या में वो ठीक है, तत्व की व्याख्या में कपिल ने वही माना है, तत्व की व्याख्या में कपिल वही कहते हैं सृष्टि जब नहीं होती तो ब्रह्म एक है, महाभारत में कपिल का, श्रीमद् भागवत में कपिल का, सृष्टि जब नहीं होती उसकी कारणावस्था का नाम ब्रह्म है, लेकिन कार्यावस्था में वो प्रकृति और पुरुष दो, कारणावस्था में ब्रह्म, ब्रह्म माने अव्यक्त अननोन, उसको उन्होंने कहा जो अव्यक्त है अननोन है उसके से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कार्यावस्था में जब होगा तो वहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों, कोई भी अब तक दार्शनिक ऐसा नहीं हुआ जो एक अद्वित नहीं, कार्य अवस्था में भी एक ही रहता है, कार्य तो दुविध हो, कारण अवस्था को जान नहीं सकता, कैसे जानेगा जो कारण ही है तो कैसे जानेगा, वो तो अपने लग जाएगा, इसी को निर्वाण कहते हैं, जो कहते हैं वो जान जाएगा, वो तो जब समाधि अवस्था में पहुँच कर नीचे हो तो सोचेगा कि उस अवस्था में एक होता है दो होता है, बात ठीक होगी, ये सत्य का बोध हो जाएगा। यहाँ पर बुद्धि ज्ञानम असंभव क्षमा, क्षमा माने समझ गए ना, क्षमा किसे कहते हैं, क्षमा माने सहिष्णु, क्षमा सत्यम, और सत्यम जो है सत्य एक, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि तो समाधि अवस्था में सत्य ही सत्य होता, अनंत एक अनंत परम सत्य, इसलिए उसका नाम कर दिया परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, ऐसा श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सत्यम परम धीमहि ऐसा, तो परम सत्य तो एक है लेकिन उसके अनुभव के अनेक स्तर हैं, भिन्न भिन्न स्तरों से अनुभव करता है, और जो जिस स्तर से अनुभव किया है उसके लिए उसी स्तर का सत्य, तो क्षमा सत्यम, दमह शम, दमह माने इंद्रियों का निग्रह और शम माने मन का निग्रह, ऐसा किया है आचार्य ने, श्रीमद् भागवत में दमह माने इंद्रिय निग्रह, क्षमा माने परमात्मा से जुड़ना, क्षमा माने परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से एक होना, क्षम है और इंद्रियों का संयमन करना नियमन करना ये दम है। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शम, अब आगे है सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च, अभी कल ओम भर्गो अश्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम विश्वामित्रेण सुमित्रवितार पराशिव भद्रं पश्यासु सर्वे हमन कृष्ण सर्वे संतरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम वसुदेवस्तंभं विष्णुं निर्गुणं देवकी शरणानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य ॐ चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वेदिरे।
सुखं दुःखं भयोभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता पुष्पस्तपोदानं यशोयशः भवन्ति भावा भूतानहं नत्येव खद्यदा। भगवान भक्त के हृदय में भक्ति की वृद्धि पुष्टि की सिद्धि के लिए अपने विभूति योग का उपदेश दे रहे हैं। चार पांच छह तीन श्लोकों में भगवान ने अपनी विभूति की व्याख्या की है और सातवें में ये बात समझाई, ये मेरी विभूति से संबंधित योग है। विभूति योग में अनन्यता की सिद्धि सहज भाव से हो जाती है, ऐसा भगवान ने स्वयं सातवें श्लोक में बताया। भगवान की विभूति क्या है? समस्त प्राणियों में होने वाला जो भाव है, ये भाव प्राणियों का नहीं है तो भगवान का है, ऐसा समझ लें। मनुष्य जिन जिन भावनाओं से प्रेरित होकर के समाज में व्यवहार करता है, ये संपूर्ण भावनाएं परमात्मा से ही प्रकट होती हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर परमात्मा के साथ अनन्यता बन जाती है। जब अन्य का कोई भाव, भाव माने अस्तित्व, अन्य का कोई अस्तित्व ही जब नहीं है तो जो कुछ भाव है, अस्तित्व है, वह परमात्मा का है। इतनी बात हृदय में आते ही भगवान के साथ योग हो जाता है। योग माने एक व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए, सारे भाव उसी के हैं, अपना तो कुछ है नहीं, गैर का भी कुछ नहीं है, तो फिर भगवान से अतिरिक्त, भगवान से अलग, भगवान से दूर हम कहाँ। और यहाँ भगवान के साथ एकता की अनुभूति हुई, वही भगवान कहते हैं अविकम्पित योग सिद्ध हो जाता है। सातवें श्लोक में क्या बताया? एतां विभूतिं योगं च मां योगेति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन। अब यहाँ पर अविकम्पेन योगेन, अविकम्पेन योगेन माने अखंड योग, यथागातो निवासस्थो न इंगते। अविकम्प योग जहाँ पर किसी भी प्रकार की मूवमेंट, कंपन, गति नहीं, गति तब हो जब वहाँ पर की स्पेस हो, खाली हो, दूरी हो। जहाँ दूरी नहीं है वहाँ गति कैसे हो? तो भगवान कहते हैं जब भगवान के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा तो गति कहाँ? अखंड एक रस भगवान में वृत्ति का लग जाना,
अभी कम पी, अखंड एक रस भगवत भाव की सिद्धि अधिकम पियो। और ये सिद्धि इस विभूति योग के बोध से ही संभव। भगवान अलग है, जगत अलग है, जब तक ये भावना बनी रहेगी। भगवान अलग है, व्यक्ति अलग है, जब तक ये भावना बनी रहेगी तब तक अधिकम प्रयोग नहीं है, तब तक तो कंपन बना ही रहे। इस भावना को ही भगवान ने अविधि पूर्वकम कहा, विधि रहित अविधि पूर्वकम। और सर्व रूप में भगवान की विभूति का दर्शन करना, ये जो है ये विधि युक्त है, विधि पूर्व। एचैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत एव इति तान बुद्धि। ये भगवान से ही प्रकट होते हैं। आप अपने जीवन में देखो देखो तो पता चलेगा कि अच्छी वृत्तियां बुरी वृत्तियां दोनों वृत्तियां आखिर तो आपकी चेतना की उपस्थिति में हो रहा है। जैसे व्यष्टि में आप हैं वैसे समष्टि में परमात्मा। आप में तमोगुण आया तो आप में आलस्य आ गया, परमात्मा में तमोगुण आया तो प्रलय हो गया। अंतर इतने, आप में रजोगुण आया तो आप कर्म में लग गए, परमात्मा में रजोगुण का प्रभाव हुआ तो शक्ति बन गई। आप में सतोगुण आया तो आपको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, परमात्मा के सतोगुण की प्रधानता में दिव्य लोक बन गए। ये जो त्रिलोकी का विस्तार है ये सब परमात्मा के ही प्रकाश में। लेकिन जैसे आपकी आत्मा न तो तमोगुण होती है न रजोगुण होती है न सतोगुण होती है, तो गुणातीत है। आपकी चेतना केवल प्रकाशित कर रही है, आपके चेतना के प्रकाश में ये त्रिविध गुण सक्रिय है, लेकिन चेतना गुण नहीं है। आपका चेतन जो है वो गुण नहीं है, वो तो त्रिगुणातीत है। इसीलिए भगवान ने बताया कि न में विदु सुरगणा कभो न महर्षय। ये सुरगणा और महर्षय ये मेरे प्रभाव को नहीं जानते, क्योंकि ये सब हम आदिम च हम आदिर ही देवाना महर्षिनाम से। तो सारे महर्षियों के सारे देवताओं का आदि तो मैं हूँ, मेरे से ही इनकी सत्ता है। जब मेरे से ही इनकी सत्ता है तो हमें कैसे जान सकते। तो जैसे आपके शरीर में जो देवता है, आपके शरीर में जो ऋषि है, इनकी सत्ता आपकी चेतना से। वेद में ये बात समझाई गई कि शरीर में सात ऋषि निवास करते हैं और उनमें से प्रलय काल में सब देव में लीन हो जाते हैं, किंतु दो हमेशा जागते रहते हैं, वो लीन नहीं होते। ये बात समझाई गई कि सात ऋषि में निवास करते हैं और प्रलय काल में वो लीन हो जाते हैं, लेकिन दो देव हमेशा इसमें जागते रहते हैं, वो कभी नहीं लीन होते। अब उस रस को समझाने के लिए यजुर्वेद का मंत्र है, उसमें बताया गया कि सात ऋषि और दो देव। तो कहा कि देव और ऋषि ये सब कहा ऋषि, तो वहाँ पर ये बात समझाई गई कि प्राण ही वह सप्त ऋषि है, प्राण ही वह देव। तो उसमें से उसकी ऋषि संज्ञा हुई जब प्राण के द्वारा इंद्रियां प्रकट हो गई।
कहा ऋषि किसे कहते हैं, कहा ऋषंती ऋषि, कहा जिसके द्वारा तुम देख सको जान सको। ऋषि माने ज्ञान के स्रोत, तो ज्ञान के स्रोत सात है अपने शरीर में, पांच ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि। व्यासकाचार्य ने अपने निरुक्त में ये बताया कि ये सात ऋषि हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि, और इन ऋषियों के साथ ये प्राण से ही प्रकट हुए। इसमें दो प्रधान हैं, तो ये सप्त ऋषि तो प्रलय काल में परमात्मा में लीन हो जाते, जब सो जाते हो तो न वहाँ बुद्धि रहती है, न मन रहता है, न ज्ञान इंद्रियां रहती, सब उस आत्मा में लीन हो जाती है, आत्मा के आश्रित हो जाती है। लेकिन कहते हैं उस अवस्था में भी दो देव जागते रहते हैं, तो दो देव कौन का, प्राण और अपान, श्वास अंदर आती है श्वास बाहर जाती है, तो श्वास अंदर आने का नाम प्राण है, श्वास को बाहर जाने का नाम अपान है। तो प्राण और अपान इन दोनों रूप में ये जागते रहते हैं, बाकी जो सात इंद्रियों के रूप में दृष्टा के रूप में वो उसमें लीन हो जाते हैं सुषुप्ति काल में। तो जो व्यक्ति की सुषुप्ति है वही परमात्मा का प्रलय है, समष्टि का प्रलय है। यही बात तो समझाएंगे ना आठवें अध्याय में, रात्रागमे प्रलीयन्ते प्रभवन्ति अहरागमे, आठवें अध्याय में समझाया। ब्रह्मा का जो दिन है वही सृष्टि है, ब्रह्मा की रात्रि का नाम प्रलय, प्रभवन्ति अहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते। प्रलय किसे कहते हैं, प्रकृष्ट रूपेण लीयते अंतर्धीयते, जब समग्र सृष्टि अपने कारण में लीन हो जाए तो उसको प्रलय कहते हैं, और जब अपने कारण से प्रकट हो जाए तो उसको सृष्टि कहते हैं, प्रभव कहते हैं, प्रभव प्रलयस्तथा। इसलिए भगवान ने बताया कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, तो संपूर्ण विश्व का मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, यानी कहेंगे प्राय मेरे से ही संपूर्ण विश्व प्रकट होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। तो ये तो भगवान के उस समष्टि रूप को जानने के लिए तुम अपने व्यक्ति रूप को देख लो, कि जब तुम जागते हो तुम्हारी दुनिया खड़ी हो जाती है, जब तुम सो जाते हो सारी दुनिया लीन हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था में दुनिया में क्या रहता, न कोई परिवार रहता है, न कोई मकान रहता है, न संपत्ति रहती है, न वैभव रहता, कुछ भी तो नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। और एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में ये कहा जाए कि तुम रहते हो कि नहीं, ये भी पता नहीं होता तुम्हें, तुम्हें अपना भी पता नहीं होता और सुषुप्ति में प्रगाढ़ निद्रा में कि तुम हो कि नहीं हो, तो उस समय तुम क्या हो कौन व्याख्या कर सकता है, तुम अपनी व्याख्या कर सकते हो घोर सुषुप्ति में तुम क्या होते हो। तो उन्हीं की देन है, तो उन्हीं के नाते नहीं, वो प्राण अपान की गति का परिणाम है, नहीं वो प्राण के ही भेद है ना, है मुख्य तो दो ही, गति तो यही प्राण अपान की, उसमें समान व्यान उदान ये तीनों अपने काम करते रहते, सर्कुलेशन चलता रहता है, हजमा होता रहता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन जो सात मुख्य हैं ज्ञान के स्रोत जिसे कहते हैं, इनसे ज्ञान तो नहीं होता, सात ज्ञान के स्रोत हैं, पांच कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां और मन और बुद्धि, इसलिए इनको ऋषि कहा गया, ज्ञान के इन्हीं को ऋषि कहा गया। हाँ इन्हीं को ऋषि कहा गया है, और ये प्राण के ही भेद है, यही प्राण, प्राण में कोष को ही इंद्रियां कहते हैं, तो प्राण से ही ये सब का जीवन, प्राण के ही भेद है। ये वेद में प्राण और ये सप्त ऋषि ज्ञान इंद्रियां एक संज्ञा में गिनी जाती है, तो प्राण के नाते ही इनका अस्तित्व, इसलिए ये प्राण के ही परिणाम, तो प्राण ही देव है मुख्य, उस प्राण देव के
फिर आगे नौ भेद हो जाते हैं। तो नौ भेद में ये दो भेद तो हैं जो नित्य रहते हैं पूरे जीवन तक, प्राण और अपान, और इन्हीं के फिर वेरिएशन है आगे। अपान के वेरिएशन है, प्राण के वेरिएशन है, इनके विभिन्न रूप तो समान, ज्ञान उदान आदि जो है इन्हीं के वेरिएशन है। मुख्य ये दो है, प्राण और अपान। पांच ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, सात ये हो गए। तो ये सब तो ऋषि हैं, और दो देव, दो देवा, ऐसा वेद मंत्र में सप्त ऋषि है, दो देवा, और ये प्राण के ही भेद बताए गए हैं। भाष्याचार्य में इन्हें प्राण का ही भेद कहा है, और वेद में भी इन्हें प्राण का ही भेद समझाया गया है। तो प्राण से ही, क्योंकि प्राण से ही इनकी स्थिति, यदि प्राण न हो तो इनकी स्थिति नहीं होती। तो वो दो हमेशा जागते रहते, उसमें समझाया गया कि ये सोते नहीं, ये बाकी तो सब सो जाते हैं। इनको देव करते, वो प्रकाशित करते, इनके द्वारा शरीर बचा रहता है। नहीं तो जब सुषुप्ति में चले जाते हो तो मरने में क्या देरी देखती है। तो ये इनकी रक्षा करते हैं। उसमें आया है कि ये दो देव जो हैं ये हमेशा इनकी रक्षा किया करते हैं। कुछ आचार्यों ने जीवात्मा परमात्मा माना है, लेकिन वहाँ वेद मंत्र में जीवात्मा परमात्मा का प्रसंग ही नहीं है। वहाँ तो केवल दो देव का प्रसंग है, जो प्राण और अपान के रूप में, और उन्हीं को यदि तुम जीवात्मा परमात्मा कह दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उपनिषदों में प्राण को परमात्मा कहा गया है और अपान को जीवात्मा। तो प्राण से ही तो अपान की स्थिति है, मुख्य तो प्राण ही है। तो प्राण ही अंदर जाता है, वही बाहर लौट करके आता है, बाहर लौटता है तो अपान हो जाता है, अंदर जाता है तो प्राण है। सो हम जिसे कहते हैं सह से ही तो अहम है, सह नहीं होगा तो हम कहाँ से आए। तो प्राण को सह कहते हैं, अपान को हम कहते हैं। तो ये दोनों के तीन कहते हैं। तो ये सप्त ऋषि की व्याख्या करते समय ऐसा समझाया गया, उसमें दो देव है, ये सब प्राण के ही मेरे से, तो दो देव और सप्त ऋषि ऐसा। हाँ, इंद्रियां सुरंद ज्ञान सुहायु जहाँ पर है, तो इंद्रियों के देवता अलग है। इंद्रिय है किसके देवता है, ध्यान के अलग देवता, बुद्धि के अलग देवता, मन के अलग देवता, सातों इंद्रियों के सात अलग देवता, बल्कि दस इंद्रियों के दस देवता, बल्कि चौदह इंद्रियों के चौदह अलग देवता है। ये बढ़ता ही जाता है। ये उसका विश्लेषण तो यहाँ पर, जैसे आपकी चेतनांश समझ लो, उपस्थिति में आपके जगत का सारा व्यापार चल रहा है, ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति में सृष्टि का व्यापार चल रहा है, विश्व का व्यापार। तो इसमें जागृत और प्रलय, यानी सृष्टि और प्रलय, जागृत और घोर निद्रा का। तो घोर निद्रा की अवस्था में जैसे आप अपनी व्याख्या नहीं कर सकते, उसे प्रलय काल में परमात्मा की क्या स्थिति होती है कौन जान सकता है। तो प्रभाव कैसे होता है कौन कहे, प्रलय के बाद प्रभाव कैसे होता है कोई बता सकता, कैसे होता है कोई रहता ही नहीं, कौन बताए। आप घोर निद्रा से कैसे जगते हो बता सकते हो, जब अपने ही पता नहीं, अपने जागने का ही पता नहीं, तो सृष्टि के जागने के कैसे तुम्हें पता चलेगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, नमे विदु सुरगणा प्रभव न मर्ष, ये प्रभवम मेरे प्रभव को न देवता जानते न महर्षि जानते, दोनों नहीं जानते, न मन बुद्धि अहंकार ये सात ऋषि जानते हैं, और न तो प्राण और अपान ही जानते, कोई नहीं जानते ये प्रभव और प्रलय कैसे हुआ, प्रलय प्रभव कैसे हुआ। प्रलय तो इनके साथ होता है इसलिए जानते हैं प्रलय, क्योंकि प्रलय हो रहा है, लेकिन प्रभाव कैसे हुआ इनको पता नहीं, तो बाद में पैदा हुए। इसीलिए नासिकीय सूक्त में आया कि देवता लोग तो बाद में पैदा हुए, क्या जाना। तो वहाँ पर तो भगवान अपनी महिमा का अवबोधन स्वयं करा। अब कहते हैं कि जैसे सुषुप्ति में तो नहीं जाना जाता, वही सुषुप्ति की अवस्था समाधि में आती है, समाधि का बोध तो होता है,
समाधि को तुम्हें पता होता है कि यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, पता होता है। अब लीन हो रहा है ये भी पता होता है। तो जैसे समाधि समाधि अवस्था में वह चैतन्य जागृत रहता है, जागृत चैतन्य स्वयं को जानता है। बोध दो प्रकार का होता है, एक स्वयं का बोध और एक जगत का बोध। उसमें बात समझाई गई, एक तो स्वयं स्वसंवेद कहते हैं स्वयं का बोध और एक जगत का बोध। तो जगत के बोध के लिए तो इंद्रियों की आवश्यकता है, मीन्स की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है। आँख के बिना तुम रूप नहीं देख सकते, चाहे तुम कितने ज्ञानी क्यों नहीं हो। काम के बिना शब्द नहीं सुन सकते, चाहे तुम कितने समझदार क्यों नहीं। तो जगत के इन सारे दृश्यों को देखने के लिए इनका सहारा लिया जाता है, वो देखा जाता है नेत्र से, वो देखा सुना जाता है श्रवण से, जो इंद्रियों। इसी रूप से सूक्ष्म जगत को देखने के लिए मन बुद्धि का सहारा लिया जाता है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए किसी के सहारे को देखने के लिए संवेद कहते हैं। अपने जानने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं।